गोरखपुर जिले के दोनों लोकसभा सीट के लिए सोमवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसको देखते हुए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। कचहरी चौक से शास्त्री चौक तक जाने वाले मार्ग पर रूट डायवर्जन कर दिया गया है। कलेक्ट्रेट परिसर के मुख्य द्वार को भी बंद कर दिया गया है। प्रत्याशियों के समर्थकों को कचहरी चौक पर ही रोक दिया जा रहा है। इसके अलावा प्रत्याशियों के साथ उनके प्रस्तावक के अलावा किसी का प्रवेश वर्जित है। नामांकन प्रक्रिया के पूर्व SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने पूरे परिसर का निरीक्षण किया तथा सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता अजय श्रीवास्तव से बात करते हुए SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, और अभी ये मेन गेट करना मतलब मशीन भी है, कोई अप्रूव ये आप लोग की आएगी तो एक एंट्री भी रहती है ये करवा के, और जैसे भी शुरू होगा इसको वहाँ पर ये रखना यहाँ पर आपकी लगा दी ड्यूटी पूरे इधर वाले इधर अरे कुकुर का स्क्रैम मिली जैसे मान लो 20 लोग पांच से मिले पांच साल के बाद में दिल्ली पांच से मिले और सीजन तो इतना नहीं है। जी जैसा कि आप देख रहे हैं आज नामांकन का पहला दिन है और गोरखपुर विधान लोकसभा सीट और बांसगांव लोकसभा सीट के लिए यहां पर कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन की व्यवस्था की गई है। चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार बिल्कुल उसी तरह से उसी स्टैंडर्ड पर उसी पैटर्न पर हम पूरी तरह से उसको आदर्श आचार संहिता के पालन करते हुए उसका नामांकन की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलाएंगे। आप खुद भी देख सकते हैं यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, जगह जगह जो यथायोग्य जो भी पुलिसकर्मी हैं और जो सिविल मजिस्ट्रेट्स हैं उनकी ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं और किसी भी तरह की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। आचार संहिता का बिल्कुल पालन कराते हुए इस प्रक्रिया को पूर्ण किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के सातवें चरण के मतदान की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। आज से नामांकन पत्रों की बिक्री और दाखिला की भी शुरू हो गया है। इसको लेकर के कलेक्ट्रेट परिषद में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, जिसको लेकर के SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता लगातार तैयारियों पर नज़र बनाए हुए हैं। हमारे साथ हैं SSP गोरखपुर, इनसे ज़रा जानते हैं कि आज क्या व्यवस्था क्या तैयारी की गई है। सर बैरिकेडिंग की गई है, तमाम तैयारियां हैं आज से नामांकन। जी बिल्कुल, आपको पता है आज गोरखपुर और बांसगांव विधान लोकसभा क्षेत्र के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया चालू हो गई है और जो इनके नोडल ऑफिसर्स हैं उनको उनकी जगह तक जाने के लिए कलेक्ट्रेट तक आने जाने के लिए जो आदर्श आचार संहिता के अनुकूल जो मीटर्स की दूरी है 100-200 मीटर की दूरी वो मेंटेन करना, क्राउड ना जाए, जो चुनाव आयोग के दिशा निर्देश से उनके अनुरूप ही नामांकन हो, इसके लिए भरपूर व्यवस्था कर दी गई है। आप खुद भी देख सकते हैं भारी संख्या में बैरिकेडिंग लगा करके और भीड़ को रोकने के उपाय रखे गए हैं और साथ ही साथ CCTV कैमरा वगैरह से कवरेज करी जा रही है जिससे कोई किसी किस्म की असुविधा ना हो किसी को। सर कुछ रास्तों को लेकर के रूट डाइवर्जन भी किया गया है? जी, ये कलेक्ट्रेट के आसपास के जो तीनों चौराहे हैं चारों चौराहे हैं उन पर डाइवर्जन है कि कोई इस तरफ अननेसेसरी लोग ना आए, जिनकी ज़रूरत है उन्हीं को लाए। तो ये हमारे साथ SSP गोरखपुर न्यूज़ के लिए अजय श्रीवास्तव।